तो ये सीढ़ियाँ हैं जो कि आपको ऊपर की तरफ लेके जाती हैं, और यहाँ से आने के बाद ही जो माहौल है ना वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। आपको पता ही है जेड प्लांट है, जेड प्लांट हमारे पास कम से कम 250-300 प्लांट्स ऐसे हैं। अरे प्लांट लवर क्या करता है, प्लांट लवर को आप 5 फ्लोर दे दो, 50 फ्लोर दे दो, वो 50 फ्लोर का गार्डन बना लेगा। अब नेक्स्ट टाइम आप आएंगे ना, अब सब कुछ ऐसा ही नजर आएगा। अगर ये फूल आ रहा है तो समझ लीजिए आपका प्लांट बहुत मेच्योर है, मतलब आपने अच्छे से प्लांट को रखा हुआ है। देख लिए, अब आपको सेकेंड लेयर गार्डन दिखा रहे हैं। इस सेंसिव एरिया का हम एक प्लांट 300 रुपए का लाए थे, छोटा सा, हमने ऐसे 50 बना दिए। ये लेयर वन जी। तो हम बात कर रहे थे कि हम, तो मेरे साथ आज हैं नीलम ढींगरा मैम। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, कैसे हैं आप अनिश जी? बहुत बढ़िया मैम, और आज फिर से थैंक्स फॉर कमिंग टू माय गार्डन। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैम ने मुझे दोबारा बुलाया है। आज जो हम आपको गार्डन दिखाने वाले हैं, और जो लास्ट वीडियो में दिखाया था वो बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। अब वो गार्डन नहीं रहा, अब वो अलग तरीके से बिल्कुल डेकोरेट किया है मैम ने। और अभी हम चलते हैं मैम के साथ ऊपर की तरफ। उससे पहले आपको बता दूं, मैम का अपना यूट्यूब चैनल है और अपना इंस्टाग्राम है, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। शांति क्रिएशंस के नाम से, शांति गार्डन्स के नाम से है यूट्यूब चैनल एंड इंस्टाग्राम चैनल। आप ज़रूर जाएं, उसे आप सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो ये अभी जिस फ्लोर पर हैं, ये तो इनका कौन सा फ्लोर हो गया? ये हमारा थर्ड फ्लोर ही है। बट मैंने, ये हमारा गार्डन का सेकंड है, गार्डन के तीन फ्लोर हैं। तो ये ट्रिपल लेयर गार्डनिंग आपको देखने के लिए मिलने वाला है, तो मजा बहुत आने वाला है। तो अभी हम सेकंड लेयर पर, तो पहले हम आपको थर्ड दिखाएंगे, फिर सेकंड दिखाएंगे, और फिर आपको हम फर्स्ट दिखाएंगे। हाँ, फर्स्ट दिखाएंगे। तो चलिए मैम, आप पहले, तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ। जी, अब ये मैम अब यहाँ से ऊपर की तरफ लेके चलेंगे। yes. तो ये सीढ़ियाँ हैं जो कि आपको ऊपर की तरफ लेके जाती हैं, और यहाँ से आने के बाद ही जो माहौल है ना वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। तो सामने मैम दिख रही हैं। नमस्कार मैम, फिर से आपको नमस्कार, कैसे हैं आप? तो ये जो आपका परगोला है ना, मैं बहुत ठीक हूँ, और ये जो परगोला है ना आपका, पहले इस तरफ हुआ करता था, क्या रीज़न है कि वो अब उधर चला गया? तो एक्चुअली क्या है, वहाँ पर पहले जो नज़र आता था, अगर वहाँ पर था तो यहाँ पर सारे घर नज़र आते थे। जी जी, ईंटें नज़र आती थी। हाँ। तो हमें अच्छा नहीं लगता था, और फिर हमने सोचा परगोला का साइड चेंज कर दे, क्योंकि अगर आप उधर देखेंगे तो बहुत ब्यूटीफुल गार्डन है। हाँ। लाला लाजपत राय के नाम से। अच्छा, तो दिखा दें आपको सामने का एक गार्डन है। तो आप देखिए, ऐसा लग रहा है जंगल के अंदर हमारा ये हाँ गार्डन है। जो जन्नत है ना वो अब जाके जस्टिफाई हुआ है, क्योंकि पहले जो था वो जन्नत नहीं था, क्योंकि इधर आपको इस तरह की पानी की टंकियां और एसी के वेंट्स और ये सब सारी चीज़ें आपको डिश एंटीना दिखा करते थे। आप जो दिखता है जो सामने पार्क फेसिंग है, काफ़ी बेहतरीन है, ठंडी ठंडी हवा भी चलती रहती है, और मैम इसका पूरा पूरा मज़ा लेती है। और यहाँ से देखिए वो नज़र आता है, कौन सा है ये, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नज़र आता है। हाँ। आप चेक करें, और हमारे यहाँ से एक लोटस टेम्पल भी नज़र आता है। अच्छा जी जी, लोटस टेम्पल कहाँ चला गया था, तो कहीं अच्छा बीच में अभी पेड़ आ चुके हैं, तो ये थोड़ा ग्रोथ हो गई है पेड़ की, तो नहीं नहीं हमने कल देखा है। अच्छा कल देखा है आपने, थोड़ा सा गायब हो चुका है। बाकी ये जो पूरा व्यू है ना बहुत ही बेहतरीन। और मैम आप कौन कौन से आपने प्लांट आपने लगा रखा है? जी, हमने जो हमारा स्पेशल जो मेन प्लांट है, आपको पता ही है जेड प्लांट है, जेड प्लांट हमारे पास कम से कम 250-300 प्लांट्स ऐसे हैं। तो आप देख पा रहे हैं बहुत सारी टोपियारी है, कितनी सारी टोपियारी हम बनाते रहते हैं, बहुत सारी मोर है, 25-30 मोर है हमारे पास, तो बहुत सारी टोपियारी है। इसके अलावा हमें जो बहुत ज़्यादा शौक है बॉन्साई का, अगर आप देखेंगे यहाँ से देखेंगे तो वो सारे बॉन्साई हैं वहाँ से लेके यहाँ तक। तो बॉन्साई हमारे पास 3-4 तरह के हैं। एक तो हमारे पास जेड प्लांट के बॉन्साई हैं, फिर हमारे पास ये देखिए ये वाला, ये हमने रोड साइड से लिया था, इतना सा लिया था, देखिए आज 5-6 साल के बाद कितना प्यारा हो गया है। एक ये बॉन्साई है, अभी इसके क्योंकि डोरमेंसी चल रहा था तो इसलिए, मतलब अभी अप्रैल मार्च में बरसातों में ये फिर दोबारा से ग्रो कर जाएगा। एंड इसके अलावा बोगनविलिया के हमारे पास 3 बॉन्साई हैं, वो हम अभी आपको दिखाएंगे, और ये बाकी सारे नीचे टोपियारी है, और फाइकस के भी 4-5 बॉन्साई हैं। ये
तो हमारे पास कई कई तरह के बॉन्साई भी हैं। तो ये देखिए, यहाँ से हमने बॉल बना रखे हैं, दो देखेंगे आप। ये देखिए कितने खूबसूरत है जी। ये ट्रिपल लेयर गार्डनिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ये दिमाग में कैसे आया आपके? अरे प्लांट लवर क्या करता है, प्लांट लवर को आप 5 फ्लोर दे दो, 50 फ्लोर दे दो, वो 50 फ्लोर का गार्डन बना लेगा। हमारा जो पहला है वो हमारी बालकनी है, बालकनी में भी हमारे 50-60 पौधे रखे हुए हैं। और उसके वहाँ पर हमारा स्पेशलाइजेशन कैक्टस एंड वो क्या सैकुलेंट का है। उसके बाद फिर आपने नीचे देखा, ऑर्नामेंटल प्लांट्स है और बहुत सारे ट्री गार्डन्स हैं। और यहाँ हमारे जो धूप के सारे पौधे होते हैं वो पौधे हैं। अच्छा, तो ये अगावे है, आप देखिए ये अगावे का प्लांट कितना खूबसूरत है। ये भी 3-4 साल पुराना है, एरिगेटेड जेट प्लांट ही है। ये अभी अभी मैंने खरीदा है। अब नेक्स्ट टाइम आप आएंगे ना, अब सब कुछ ऐसा ही नजर आएगा। अब आप देखिए सबको, एक प्लांट है ना, एक प्लांट से 50 हम बना कर दिखाने वाले हैं आपको। बट वेरिएटेड थोड़ा सा स्लो ग्रोइंग है, और वो कोई नहीं, फिर भी बन जाएगा, फिर भी बन जाएगा। इरादा होना चाहिए बस। तो यहाँ पर आपने वेस्ट चीजों का भी बहुत बेहतरीन तरीके से यूज किया हुआ है। बॉटल्स में भी हमने लगाया। एक्चुअली क्या है, जगह नहीं है ना, तो हम तो आसमान भी उठा लेते हैं और जमीन भी ले लेते हैं। तो ये हमने आसमान में लगा रखी है, बहुत बढ़िया। और ये लकड़ी के ऊपर हमने देखे कोकोनट का ये बनाया था खुद, थोड़ा सा डेकोरेशन देने के लिए। और ये फ्लावर का है, ये गर्मी के ही हमारे फूल है, तो ये हम लोगों ने यहाँ लगाए हुए हैं। और पीछे आपने बिल्कुल सेंसिवेरिया की जो डेकोरेशन, सेंसिवेरिया का, ये भी काफी पुराने प्लांट है। एक ही प्लांट से मेरे 50 प्लांट बने थे। और आपको एक खास चीज दिखाना चाहती हूँ, 8 साल के बाद मैंने भी पहली बार देखा है। ये देखिए ना एक बार प्लीज। अरे वाह, फ्लावर देखिए, ये स्नेक प्लांट है। और स्नेक प्लांट के अंदर फ्लावर लगने के क्या वजह होती है हम बताते हैं, कैसे लग सकता है। एक तो इसको धूप में रखिएगा और इसको खाद कम दीजिएगा, सिर्फ फरवरी में आप खाद दीजिए, पानी बहुत कम दीजिएगा। और अगर ये फूल आ रहा है तो समझ लीजिए आपका प्लांट बहुत मैच्योर है, मतलब आपने अच्छे से प्लांट को रखा हुआ है, तो कम आता है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो पीछे आपने जन्नत तो लिखवा रखा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है जी। और सामने जेड प्लांट की क्या कौन क्या क्या बना के रखा हुआ है आपने? ये सारे मोर बने हुए हैं। अच्छा, ये मोर बने हुए हैं। और उधर वो छाता है, छाते के अंदर लवबर्ड्स है, मैंने दो कप, एक कपल है और वो एन नजर आ रहा है, एन मीन्स नीलम। अच्छा, मैंने अपना कैपिटल लेटर भी बनाया हुआ है, बहुत बेहतरीन। और एक वो गोल गोल वाला उधर ओम लगे, और वो लास्ट में ओम अभी बनेंगे। ये भी ओम देखे जो थोड़े से गिर रहे हैं, ये इधर से ये इसके लाइट के पास है, ओम है ये, ठीक है। और उसके बाद ये सारा एक दिल है, फिर ये गोल गोल बने हैं, फिर दिल है, फिर दो मोर है। तो इस तरह से पूरा जेड प्लांट का मतलब कि आपके पास स्पेशलिटी आ चुकी है। नहीं, इस तरह से। और यहाँ पर हमने बुल एंड बियर बनाया, अभी बनेंगे। हाँ, ये बुल एंड बियर है। और यहाँ पर दो देखो हाथी भी है, ये अगर आप देखेंगे तो ये दो एलिफेंट है, दो एलिफेंट के बीच में एक प्लांट है। बहुत ही बढ़िया मैम, बहुत। और अच्छी बात पता क्या है, हम सबको ये बताना चाहते हैं कि इसके हर महीने फरवरी से लेकर और सितंबर तक इसकी प्रूनिंग होती है, या डेढ़ महीने में एक बार होती है। तो उसका हम जो भी कटिंग होती है वो ऐसे हम हैंग करते हैं, ये देखिए ये हैंग करते हैं, यहाँ पर हैंगिंग दिखाइए एक बार। और इसके अलावा ये हैंग करते हैं और इससे फिर दोबारा से पौधे बन जाते हैं। अब अगर आप देखें तो मेरे पास अभी जगह नहीं थी, तो मैंने क्या किया, ये सारी बॉटल्स लगवा दी। ये देखिए ये सारी इसमें देख रहे हो, अभी अभी लगी है। अच्छा, ये अप्रैल का सारा प्रूनिंग हो के अब क्या करें, जगह नहीं है, तो ऐसे कुछ ना कुछ चीज ढूंढते रहते हैं कि कहाँ पर हम ये लगाए। बहुत तो ऐसे नीचे भी बहुत सारे देखिए जेड है। एंड ये देखिए, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ये मेरे पास है एडेनियम के कुछ प्लांट्स है, बहुत अच्छे। देखिए फ्लावरिंग भी कर रहे हैं, दो प्लांट्स में तो अच्छी फ्लावरिंग भी आ रही है। तो ये सारे एडेनियम के है। तो अब नेक्स्ट मेरा जो स्पेशलाइजेशन होने वाला है एडेनियम पे होने वाला है, तो मैं एक पूरा का पूरा गार्डन बनाऊंगी जो सिर्फ एडेनियम का होगा। इट इज अ चैलेंज टू मी, आई गिव चैलेंजेस टू माई सेल्फ। एंड और ये देखिए, ये तो संतरा है, ये आपको पता चाइनीज ऑरेंज है ये। ये एक बार देखिए, ये बहुत सुंदर लगता है। अभी सर्दियां चली गई हैं, ये इतने सारे यहाँ पर सारे गार्डन में हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं, एक ही जगह पे रखते हैं। तो अब ये क्योंकि डॉर्मेंसी में चले जाएंगे, तो हमने एक साइड रख दिया है, इसके ऊपर से कटिंग कर देंगे। सर्दियों में यही के यही इनको दोबारा से रिपोर्ट करेंगे अप्रैल अगस्त में, और फिर देखिएगा पूरा एक बड़ा गार्डन इसका भी बन सकता है। तो एक चीज और हम बोलना चाहते हैं, प्लांट लवर किसे कहते हैं? प्लांट लवर का रियल डेफिनेशन है कि आप नंबर वन प्लांट को प्रोपोगेट करें, एक प्लांट से ज़्यादा प्लांट, उसके बेबी प्लांट्स बनाएं, नंबर वन। और नंबर टू, आपका प्लांट सस्टेनेबल होना चाहिए, मतलब आप अपने प्लांट को जिंदा रख पाएँ।
बहुत बढ़िया, अपनी कोशिश से तो उसी को प्लांट लवर कहते हैं। बहुत बढ़िया मैम। तो हर बार नर्सरी से तो कोई भी लेकर आएगा, 100-200 रुपए में मिल जाते हैं। गया नर्सरी से लाया मार दिया, गया नर्सरी से लाया मार दिया, इट इज नॉट अ प्लांट लवर। अनिशी आपने थर्ड लेयर तो देख लिया है, अब आपको सेकंड लेयर गार्डन दिखा रहे हैं। आइए आप प्लीज नीचे आइए। जी 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 जी। तो ये हमने अब अभी टॉप लेवल देख लिया, अब हम थोड़ा सेकंड लेवल की तरफ जा रहे हैं। तो ये सीढ़ियाँ अब आपको सेकंड लेवल की तरफ लेके जाएंगी, जो कि खूबसूरती आपने अभी देखी है ना, इस खूबसूरती में चार चांद आपका सेकंड लेयर ही लगाता है। ये देखिए इधर तीनों लेयर जो है भाई, बहुत बेहतरीन तरीके से डेकोरेट किया है मैम ने। तो इसका क्या नाम है, सेम जन्नत टूर बोल सकते हैं इसे? हाँ जन्नत टूर बोल से, वैसे लिखा हुआ है ये जन्नत, स्पेलिंग गलत है। हाँ। देखिए हाँ। और इस ऐसे क्योंकि जगह कम थी तो हाँ। दिल के साथ यहाँ भी दिल हमने डाला है। बहुत बढ़िया जी जी। दिल की कमी नहीं है यहाँ, दिल की कमी नहीं है। और दिल नहीं और खूबसूरत दिल की कमी नहीं है। तो ये वाला जो पूरा एरिया है, ये पूरा फाउंटेन है ना, ये फाउंटेन है और ये फाउंटेन काम करता है, अभी आपको दिखा रहे हैं हम। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, इस पे पानी गिरता है ऊपर से जी। तो मैम ने मोटर अभी ऑन कर दिया है और बारिश चालू। ये देखिए क्या बात है मैम, आश्चर्य है, दिखाना चाहते हैं आपको। आश्चर्य ये नहीं है, आश्चर्य ये भी है सातवें गार्डन फाउंटेन के अंदर। फाउंटेन ये तो कभी नहीं देखा होगा आपने। ये देखिए बहुत ही बड़ी फाउंटेन में फाउंटेन। ये पूरा जो फाउंटेन है ना, बड़ा ही प्यार से इन्होंने बनाया है कि एक थोड़ा सा कोजी एरिया भी हो जाता है यहाँ पर, आप अपना चाय पानी इंजॉय कीजिए, बुक्स रीडिंग करना चाहते हैं बुक्स रीडिंग कीजिए। बहुत अच्छे से इन्होंने डेकोरेट किया है। तो ये इनका सेकंड लेयर है गार्डन का जी, बहुत ही बढ़िया है मैम। और यहाँ हमने दिखाया है कोकोडेमा, दिखाए हैं, देखिए ये हमने खुद बनाए हैं कोकोडेमा। ये सेंसेवेरिया का है, ये स्पाइडर का भी है इसके अंदर, और इसके अंदर ये सॉन्ग ऑफ इंडिया का है और वो भी स्पाइडर का ही है, ग्रीन वाला है। तो ऐसे है। तो ये देखिए ये हमने लेडी पाम रखा हुआ है, कितना खूबसूरत लग रहा है। और आपको बताएं ये वाले प्लांट की खासियत, ये प्लांट हम जब लेकर आए थे आज से 7 साल पहले तो इतना सा था, इतना सा। अच्छा। अब हमसे भी बड़ा हो गया, देखिए हुआ या नहीं हुआ बताइए, आराम से हो गया। तो ये इसकी ये खासियत है, बहुत बढ़िया। और दूसरा ये वाला एरिया बड़ा अच्छा प्यार से आपने डेकोरेट किया हुआ है जी जी। और ये देखिए ये हमने कुछ ट्रे गार्डन आगे रखे हैं और ये हमने खुद बनाया हुआ है, 50-60 रुपए में बन जाता है। अच्छा। घर में कोशिश तो करो एक बार। हाँ, हाँ, हाँ। कोशिश करने वालों के हाथ नहीं होती। और नीलम मैम इसमें कभी घबराती नहीं है कोशिश करने में। जी 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 जी। तो और ये देखिए ये हमने छोटे छोटे ट्री गार्डन्स बनाए हैं। हाँ। ये हमारा आपको पता ही है कौन सा प्लांट है, ये रबर प्लांट, रबर प्लांट हो गया, एग्लोनिमा। यस ये एग्लोनिमा है, चाइनीज एग्लोनिमा, स्नो वाइट है। राइट राइट। और ये देखिए ये सारा का सारा आ गया, ये आ गया सिंगोनियम, सिंगोनियम आ गया पूरा। हाँ हाँ, पूरा जो एरिया है ना, हर तरह के मतलब शेड लविंग जो प्लांट्स है ना, उनको यहाँ पर जगह दी गई। और ये देखे हमारे बेबीज आ गए थे, ये देखे इसके स्नेक प्लांट के, तो हमने उसे कोकोडेमा बना दिया। बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल इट इज। और ये भी देखे ना, ये हमने उसका क्या कहते हैं, मनी प्लांट का बना दिया, मनी प्लांट का बना दिया, नियोन मनी प्लांट कहते हैं इसको। अच्छा। और ये वाला अगर आप एरिया दिखाएंगे तो ये हमने सारा का सारा फर्न से एक छोटा सा एरिया, हम एक एरिया एक एरिया एक्चुअली बनाते हैं, मतलब इस तरह से हम कर लेते हैं, इमेजिनेशंस होती हैं। मतलब सामने एक बहुत ही अच्छा ट्री गार्डनिंग किया गया है, क्या कुछ बनाया है? तो ये लैंडस्केपिंग है, ये हमने बनाया है, इसमें ये पहाड़ है, ये यहाँ से पानी आता है और ये साथ में छोटा सा मंदिर है, विलेज का भी लुक दिया है और साथ में ये रिसॉर्ट है। अगर आप रोड साइड से जाते तो रिसॉर्ट्स होते हैं ना, ऐसे दो गर्ल्स बैठी हुई हैं। ओके। तो और इसके अलावा हमने यहाँ पर ये एक बिल्डिंग, हाई राइज बिल्डिंग भी बनाई है। तो इट इज एवरीथिंग इज देयर ओनली। तो ये हमारी अर्थ है बेसिकली। बहुत बढ़िया मैम जी जी। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो अब हम आपको दिखा रहे हैं नीचे चलते हैं। ये देखिए ये है अपना क्या कहते हैं इसको, स्पाइडर, सॉरी ये स्पाइडर है। और इसी स्पाइडर से ही हमने वो दिखाई है मटकी, देखिए कितनी ब्यूटीफुल, सारी मटकियाँ इसी से बनी हैं। अच्छा। टोटल प्रोपोगेशन इसी से, आई मीन दिस इज अ जीरो कॉस्ट। क्या बात है मैम, बहुत ही बढ़िया, मतलब
लिटरली मतलब हैंगिंग से ऐसे ऐसे हैंगिंग्स बन सकते हैं, कभी सोचा नहीं था। जीरो कॉस्ट है, जीरो कॉस्ट, जीरो पैसे से वो वैसा देखे कितना प्यारा लुक आ रहा है। और इसके अलावा ये देखे, ये भी हमने बनाया हुआ है, ये भी ये वही चीज सेम चीज है। और ये सेंसिव एरिया है, ये सेंसिव एरिया का हम एक प्लांट 300 रुपए का लाए थे, छोटा सा, हमने ऐसे 50 बना दिए। अरे वाह, जब तक एक प्लांट लवर 50 प्लांट ना कन्वर्ट करे, मजा कहाँ आता है आप बताइए। अब हम चलते हैं नीचे की तरफ जी, जो है हमारा ये लेयर वन। लेयर वन जी, जब हम बात कर रहे थे कि हम ट्रिपल लेयर की, तो ट्रिपल लेयर के बाद हम दो लेयर तो हो चुका, अब ये थर्ड लेयर में आ चुके हैं। ये तो अब यहाँ पे क्या दिख रहा है मैम? यहाँ पर ये सारे हमने स्नेक प्लांट विद बुद्धा हमने डाले हुए हैं। हाँ। एक फिर वापस से जेड के हमने बास्केट्स डाले हुए हैं, अगर आप देख पा रहे हैं ये जेड की सारी बास्केट्स है। फिर ये हमारी तुलसी जी है रखे हुए हमने, और ये एक और छोटे तुलसी जी हैं। और यहाँ पर हमारे जो मेनली प्लांट्स है वो सेकुलेंट प्लांट है सारे, तो ये तो सेंसिव एरिया सिलेंड्रिकल है, तो ये प्रोपोगेशन हो रहा है। अच्छा, ये सारा प्रोपोगेशन हो रहा है। और ये देखिए कैक्टस है ये हमारे पास, और ये देखिए कितना प्यारा ये कैक्टस प्रोपोगेट हो रहा है। अच्छा। इसी के हम बेबी प्लांट्स हैं तो इसको प्रोपोगेट कर रहे हैं। और ये देखिए फ्लावरिंग हो रही है, कितने खूबसूरत फ्लावर हो रहे हैं। और इसके अंदर भी देखिए छोटा सा, ये देखिए कलर चेंज हो गया ना, यहाँ भी फ्लावर आएगा। अच्छा। और ये जो पौधा है ये है पेंसिल कैक्टस, तो ये क्या होता है, ये अपने चारों तरफ इसके अंदर सैप निकलता है, ऑरा क्रिएट करता है जिससे मच्छर दूर भागते हैं। तभी छोटा, और इसकी कटिंग बहुत आसान है। आपने क्या करना है, एक छोटा सा यहाँ से ऐसे कटिंग कट करेंगे, कट करके और आप लगा देंगे, और एक महीने के बाद जड़ निकल आएगी। तो ये मेरा क्या है, ये एक प्लांट मुझे किसी ने गिफ्ट किया था, किसी प्लांट लवर ने, तो मैंने फिर उसमें यहाँ लगा दिया। ये फिर मैंने इसके प्रोपोगेशन चल रहा है। अच्छा। वही सिलेंड्रिकल सेंसिव एरिया, ये जो प्लांट महंगा आता है, बट मैंने एक प्लांट से शायद 85 प्लांट बना दिए हैं। तो ये हमारा रबर प्लांट है, वापस से वही बहुत बढ़िया मैम, मेरी डुप्लीकेट से जरूर है प्लांट्स की। हाँ। बट यही ब्यूटी है। हाँ, यही गार्डन की ब्यूटी है, गार्डन की ब्यूटी है। जी जी, तो ये देखिए आपको डुप्लीकेट नजर आ रही है। हाँ। बट ब्यूटी यही है कि आप प्रोपोगेट करें, आप देख ही रहे होंगे कोई छोटे कोई बड़े, ये सारे प्रोपोगेटेड सारे प्लांट्स हैं। ये देखिए कितने सारे सिलेंड्रिकल सेंसिव एरिया हैं, और ये देखिए ये सकुलेंट्स हैं। अब हमारे पास सारे हवर्दिया की बहुत सारी वेराइटीज हैं। एंड ये मेरे स्नेक प्लांट जब मैंने निकाले थे तो छोटे छोटे निकले, तो छोटे छोटे प्लांटर में मेरे ये सारे देखिए ऐसे बड़े होते भी जा रहे हैं। ये इतना बड़ा लगाया था हमने, इतना बड़ा हो गया। तो अब जैसे कोई भी आता है गिफ्टिंग के लिए भी अच्छा होता है, और फिर आपकी सेटिस्फेक्शन होती है कि आपने एक प्लांट से कितने सारे प्लांट बना दिए। बहुत बड़ी। और ये मनी प्लांट रखा हुआ है यहाँ पर देखे। और ये लिपस्टिक हमने रखे हुए तीन प्लांट छोटे छोटे, ये भी काफी कॉस्टली आते हैं। जी जी, ये भी कॉस्टली आते हैं। और ये भी प्रोपोगेटेड है सारे। अच्छा। बड़ा प्लांट हमने किसी को गिफ्ट कर दिया था। हाँ। और ये देखे ऊपर से फिर हम लोगों ने ये हैंगिंग्स लगा, फिर वही सेम। और अभी एक मिसिंग है ना, क्योंकि हम प्लांट लवर के पास गए थे तो हम एक बास्केट लेके गए थे, हमने कहा ये तुमको चैलेंज है, एक लो और 50 बनाकर दिखाओ मुझे। तो ये हमारा हो गया थर्ड लेयर जी, और इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग अनिश्ती, थैंक यू सो मच बुलाने के लिए। बाकी अगर वीडियो पसंद आया है शेयर जरूर कीजिएगा, और मैडम के चैनल को सपोर्ट जरूर दिखाइएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में छोड़ा हुआ है, तो वो भी चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मैम, और आप हमारे चैनल को शांति बोली, 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 और आप हमारे चैनल शांति गार्डन्स को भी फॉलो करें और सब्सक्राइब करें अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।